नमस्कार दोस्तों, दिस इज करण फ्रॉम आपका हाउस। आज लेके हैं आपके लिए सेक्टर 4 में 5 बेडरूम का फ्लैट होने वाला है। इस फ्लैट में आपको दोस्तों अपने डेकोरेटिव आइटम्स भी लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंक्लूडिंग द प्लांट्स भी लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें सब कुछ हम आपको लगा के दे रहे हैं, सब कुछ इसमें आपको करके दे रहे हैं। अगर मैं बात करता हूँ पर्टिकुलर इस सोसाइटी संचार विहार अपार्टमेंट है, 8 फ्लोर का फ्लैट होने वाला है। बढ़िया लेविश काम करा रखा है पर्टिकुलर फ्लैट पे। 5 बेडरूम का फ्लैट है, अच्छी बड़ा साइज का फ्लैट मिल जाता है, बहुत लेविश काम है पूरे फ्लैट में। सेक्टर 4 से जनरली अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपका सेक्टर 12 का मार्केट और सेक्टर 12 का आशीर्वाद चौक का जो मार्केट है, वो जो एरिया है, यहाँ से पास पड़ता है। सेक्टर 12 का मेट्रो स्टेशन पास पड़ जाता है यहाँ से, तो ऑल दो ये सारी चीज़ें पास पड़ जाती हैं। आइए गो थ्रू करते हैं इस फ्लैट को, स्टार्ट करते हैं। ये हो जाता है लॉबी स्पेस। दो फ्लैट उस तरफ हैं, दो फ्लैट उस तरफ हो जाते हैं आपके। एक स्टेयरकेस, दो लिफ्ट केस, एक स्टेयरकेस आपको उधर भी मिलने वाला है। ये आ जाता है अपना फ्लैट का एंट्रेंस। यहाँ देखेंगे बहुत अच्छा काम किया गया है, डेकोरेटिव आइटम्स लगाए हुए हैं, लेट्स सी योर प्लांट्स हियर। ऊपर देखेंगे बहुत अच्छा लाइटिंग का काम करा रखा है। इस तरीके से कुछ एंट्रेंस मिलता है, ऊपर बहुत अच्छा लाइटिंग हैंगिंग लाइट का काम मिलता है। डोर क्वालिटी देखेंगे बहुत खूबसूरत है, डिज़ाइन पैटर्न बहुत अच्छा है, कलर कंट्रास्ट बहुत अच्छा है, इससे लॉक को मिल जाता है। नाउ वी कम टू द डायरेक्टली अपना लिविंग डाइनिंग स्पेस में आते हैं, जो आपका इस तरीके से आपको लिविंग डाइनिंग का स्पेस आपको मिलने वाला है। आप देख सकते हैं, अगर इसमें मैं आपको लेआउट की बात बता देता हूँ तो दैट्स योर फर्स्ट बेडरूम एरिया, दैट्स योर किचन स्पेस, दैट्स योर सेकेंड कॉमन वॉशरूम, देन थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ का बेडरूम स्पेस, देन उसके बाद एक बड़ी बालकनी भी आती है यहाँ पर। तो इस तरीके से बेडरूम स्पेसेस का है और अच्छा खासा लेआउट है इस फ्लैट का, बहुत ईजी लेआउट है, बहुत जल्दी से पसंद आ जाता है सभी लोगों को इस तरीके का लेआउट। तो आइए गो थ्रू करते हैं। ये हो जाता है इसका लिविंग स्पेस, लिविंग स्पेस मिलता है आपको कुछ इस तरीके से। प्रॉपरली फॉल सीलिंग का काम है, शैंडलियर्स वगैरह का काम मिल जाता है, फैंस मिल जाते हैं ऊपर अच्छी कंपनी के, नीचे वर्टिकल टाइलिंग का काम मिल जाता है। ऑन वॉल्स देखेंगे अच्छा डिज़ाइन पैटर्न बनाया हुआ है। ये हो जाता है सामने आपका टीवी कैबिनेट, इस तरीके से काम किया गया है, दैट्स योर मूवेबल लाइट। आजकल आप इस ये जो लाइट्स बहुत ज़्यादा इनमें हैं, प्रॉपरली काम किया गया है, देख सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ डेकोरेटिव आइटम्स भी लगाए हुए हैं, देख सकते हैं, वो भी आपको लाने की ज़रूरत नहीं है, वो भी यहाँ पे हमने लगा के इस आपको दे दिए हैं। दैट्स योर स्टोरेज स्पेस, यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर भी आपको एक स्टोरेज स्पेस मिलता है विद द वर्क ऑफ मिरर। बहुत अच्छा काम किया गया है, इसमें आप अपना कुछ भी डेकोरेट कर सकते हैं, कुछ भी आप अपना प्रोडक्ट रख सकते हैं। इस तरीके से मिलता है आपको लिविंग प्लस डाइनिंग स्पेस। यहाँ पर आपको एक बहुत बढ़िया मिरर स्पेस दिया गया है, जो कि आपका टच पैनल का काम, टच पैनल वाला मिरर मिल जाता है। अच्छा खासा पैनल्स का काम किया गया है प्रॉपर तरीके से, इस तरीके से प्रॉपर काम मिलता है। दैट्स योर एंट्रेंस पे ही बुद्धा का स्टैचू, विच इज़ गुड फॉर योर हाउस। और उसके बाद आते हैं अपना फर्स्ट बेडरूम स्पेस पे, दैट इज़ योर फर्स्ट बेडरूम एरिया। इस तरीके का साइज मिलता है, वेंटिलेशन इधर मिलता है, इसमें आपको अटैच वॉशरूम भी मिलता है। इसमें आपको फ्लैट में पर्टिकुलर 3 वॉशरूम मिलते हैं और 5 बेडरूम का फ्लैट है ये। कबर्ड स्पेस मिल जाता है विद द मिरर वर्क, बहुत अच्छा काम किया गया है मिरर वर्क का, अंदर लाइटिंग भी है, सेपरेशन भी अच्छा किया गया है और अच्छा खासा आपको इसमें काम भी मिल जाता है। अच्छा सेपरेशन है और अच्छा कलर कंट्रास्ट में काम किया गया है, मिरर वर्क बहुत अच्छा है, बहुत स्मूथ वर्क कर रहे हैं। ऊपर फॉल सीलिंग, नीचे वर्टिकल टाइलिंग। आप अगर इस रूम का साइज बताया तो मैं आपको ऑलमोस्ट, अगर इसको आप इजीली गेस्ट रूम बना सकते हैं विद दिस वार्डरोब स्पेस, इसका साइज होगा 11x12 के आसपास का। नाउ वी कम टू द किचन स्पेस आपका, इसमें देखेंगे आपको बहुत अच्छा सेपरेशन बनाए गए हैं। ये है कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं पैनल्स बनाए गए हैं मिरर वर्क के साथ, आर्टिफिशियल आपके प्लांट्स रखे गए हैं विद दिस ब्यूटीफुल। आपका एंट्रेंस हो जाता है, फुल्ली लोडेड किचन मिलने वाला है, जो भी आपको किचन में चाहिए होता है वो सब इसमें आपको मिलता है। वेंटिलेशन इधर आ जाता है, ओवरहेड काफी बड़ा स्टोरेज मिलता है आपको, चिमनी होप, काउंटर टॉप, डबल आपको काउंटर टॉप मिल जाते हैं, दैट्स योर कुकिंग स्पेस वाला, दैट्स योर ड्राई स्पेस वाला, देन यू हैव अ वेजिटेबल बास्केट हेयर,
यहाँ पर मिलता है आपको माइक्रोवेव मिलता है, आपको यहाँ पे ओवन मिल जाता है। दैट्स योर पेंट्री स्पेस, आपका प्रॉपर तरीके से देखेंगे बहुत बढ़िया काम कराया हुआ है, बहुत बढ़िया काम है। कलर कंट्रास्ट देखेंगे व्हाइट एंड ग्रे, डार्क में डार्क ग्रे में काम किया है जो कि बहुत खूबसूरत लगता है। ये मिलता है आपको अपना किचन स्पेस, बहुत बढ़िया काम किया गया है, बहुत अच्छा काम इसमें आपको मिलता है। दैट्स योर कॉमन वॉशरूम एरिया जो कि आपका कुछ इस तरीके से है, देख सकते हैं आप इसको, बहुत अच्छा काम किया गया है। इस रूम से भी अटैच मिलने वाला है, जो उसके बगल में रूम है इसे भी अटैच आपको उसमें मिल जाता है। वेंटिलेशन स्पेस साइज अच्छा है, टाइलिंग का काम बहुत अच्छा किया गया है, जैगो फिटिंग्स मिलती है, WBC, दैट्स योर स्टोरेज, स्मार्ट मिरर, ऑल दो थिंग्स आपको यहाँ पर मिलता है। दैट्स योर सेकेंड बेडरूम एरिया, इस तरीके का बेडरूम साइज मिलता है यहाँ पर। इसमें आपको जो आपको कॉमन दिखाया है वो भी इसमें आपको अटैच मिलने वाला है। यहाँ से टीवी कैबिनेट का काम देखेंगे, बहुत खूबसूरत काम किया गया है, बहुत बढ़िया काम मिल जाता है इसमें आपको। यहाँ पर आप देखेंगे कबर्ड स्पेस का जो काम है बहुत ही बढ़िया काम किया गया है। यहाँ पर आपको ड्रेसिंग स्पेस मिलता है, ये आपका ड्रेसिंग स्पेस एरिया है, यहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट्स रख सकते हैं। इस तरीके से काम किया गया है, दैट्स योर कबर्ड स्पेस एरिया। सब माइका का काम अच्छा है, हैंडल्स बार एंड ऑल द थिंग्स आपको अच्छी मिलने वाली है इसमें। ऊपर फॉल सीलिंग, नीचे वर्टिकल टाइल्स का काम मिलता है। ये आपको जो बालकनी है ईस्ट टू वेस्ट के बीच में फेसिंग करती है, यहाँ पे ईस्ट है, दैट्स योर वेस्ट। इसमें आपको ऑलमोस्ट पूरे दिन की धूप मिलती है, इस पर्टिकुलर बालकनी में आपको मिलती है धूप ऑलमोस्ट 11 बजे से बाद की धूप आपको इसमें मिलने लग जाती है, क्योंकि ईस्ट यहाँ पे वेस्ट यहाँ पे, तो इस तरीके से आपको इसमें धूप मिल जाती है। ये हो जाता है आपका सेकेंड बेडरूम एरिया। अब आते हैं अपने नेक्स्ट बेडरूम एरिया की तरफ। बेडरूम एरिया बहुत खूबसूरत काम है, पूरे फ्लैट में बहुत अच्छा काम किया गया है, बहुत ही ज़्यादा इस तरीके काम है जो कि सबको समझ आने वाला है और बहुत अच्छा काम। इट्स नॉट ऑर्डिनरी वर्क, इसमें सारा देखेंगे आप ग्लास का काम ज़्यादा किया गया है, लाइटिंग बहुत अच्छी है, पैनल्स के काम कराए हुए हैं, सारे काम कराए हुए हैं। इस बेडरूम का साइज़ मैं आपको बता देता हूँ, इस बेडरूम का साइज़ ऑलमोस्ट 12x14 के आसपास है, विद द कबर्ड स्पेस का स्पेस मैं इंक्लूड कर देता हूँ। दैट्स योर पैनल स्पेस, इस तरीके से काम किया गया है। बेड का जो बिग सेट का रहता है उसमें इस तरीके का आपको काम मिलता है, सामने आपका टीवी स्पेस आने वाला है, लाइटिंग का बहुत अच्छा काम है और प्रॉपरली इस तरीके से आपको काम मिल जाता है। यहाँ पर मिलता है आपको वार्डरोब स्पेस, मिरर वर्क किया गया है, सेपरेशन अच्छा है, डेप्थ अच्छी है, बहुत अच्छा सेपरेशन किया गया है, लाइटिंग का काम भी इसमें बहुत अच्छा आपको मिल जाता है। अब आते हैं इस वॉशरूम की तरफ, जो कि अटैच वॉशरूम मिलता है, जैगुआर कंपनी का फिटिंग है, ड्यूल टोन आपको टाइलिंग का काम मिल जाता है। दैट्स योर वॉशिंग, दैट्स योर वेंटिलेशन, दैट्स योर फिटिंग्स हियर, ऑल द थिंग्स आपको यहाँ पे मिलने वाला है। डोर क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम करा गया है, देख सकते हैं इसमें। इसमें भी आपको एक बालकनी मिलती है जो कि ईस्ट टू वेस्ट के बीच में बालकनी का व्यू, मतलब ईस्ट टू वेस्ट के बीच में आती है, तो ऑलमोस्ट पूरे दिन की धूप आती है इसमें। 11:30-11 बजे के बाद सारी धूप आने लगती है, क्योंकि अभी ईस्ट इस तरफ है, 11:30-11 बजे जैसे अभी स्टार्ट हो गई है, 11 बजने का टाइम हो रहा है, तो 11 बजे के बाद ऑलमोस्ट पूरे दिन की धूप इस फ्लैट में आपको मिलने वाली है। ये हो जाता है थर्ड बेडरूम एरिया। अब आते हैं अपने फोर्थ बेडरूम की तरफ। ये हो जाता है आपका फोर्थ बेडरूम एरिया। बढ़िया धूप आती है इसमें, अभी भी धूप आ रही है, मॉर्निंग की धूप आ जाती है। जैसे मैंने बताया ईस्ट टू वेस्ट, मतलब नॉर्थ ईस्ट के एंट्री का फ्लैट है, तो पूरे दिन की धूप इसमें आपको मिलने वाली है। फोर्थ बेडरूम एरिया मिलता है आपको इस तरीके से, पर आपका फॉल्सिंग का काम मिलता है, नीचे वर्टिकल टाइल्स, ये आपका वार्डरोब स्पेस मिलता है कुछ इस तरीके से, अच्छा डेप्थ है, अच्छा सेपरेशन किया गया है। यहाँ पर एक बालकनी मिलती है जिसमें बहुत अच्छी धूप आ रही है अभी। दैट्स योर ईस्ट स्पेस, दैट्स योर वेस्ट स्पेस, तो इसमें भी आपको धूप मिलने वाली है बहुत अच्छे तरीके से। सारा ग्रीन स्पेस का पूरा व्यू मिलता है, सारा देखेंगे इस तरीके से ग्रीन स्पेस मिलता है। बहुत शांत लेने ये वाला जो लेने, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि चलता रहता है, तो बहुत शांत लेन आपको ये मिलते हैं। जो भी लोग ऐसा फ्लैट देख रहे हैं जो कि मेन रोड फेसिंग नहीं हो, पीछे का फ्लैट हो, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा एक ये फ्लैट रहने वाला है। ये एक और वॉशरूम आ जाता है, ये इसका लास्ट वॉशरूम है। इस तरीके का कुछ काम है पूरे वॉशरूम में देखेंगे, टाइलिंग का काम अच्छा है, जैगो फिटिंग्स मिल जाती है, सारा काम किया गया है, स्मार्ट मिरर मिल जाता है, WBC ऑल द थिंग्स आपको इसमें मिलने वाली है। अब आ जाते हैं दोस्तों अपने लास्ट बेडरूम की तरफ, जो कि आपको मिलता है यहाँ पर। ये हो जाता है आपका लास्ट बेडरूम एरिया। इस तरीके से वेंटिलेशन का स्पेस मिलता है यहाँ पर आपको, कुछ इस तरीके का काम किया गया है, प्रॉपर तरीके से देखेंगे, ऊपर फॉल सीलिंग, नीचे वर्टिकल टाइल्स का काम मिल जाता है, और यहाँ पर मिलता है आपको अपना कबर्ड स्पेस कुछ इस तरीके से। तो ये हो जाता है दोस्तों आपका फ्लैट गो थ्रू। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक लास्ट चीज, जो कि है इसकी एक बड़ी बालकनी का स्पेस। यहाँ पर मिलता है आपको बड़ी बालकनी का स्पेस कुछ इस तरीके से। ये सामने ईस्ट है, यहाँ पे अभी सुबह की धूप आती है, जैसे कि अभी हरी सुबह की धूप आती है ऑलमोस्ट अभी, उसके बाद दूसरी बालकनी पे, फिर उसके बाद ऐसे करते करते सारी बालकनी पे धूप आने वाली है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट एंट्री का फ्लैट मिल जाता है। 8वां फ्लोर का फ्लैट है ये, टॉप फ्लोर नहीं है, इसके ऊपर भी आपको 2 फ्लोर और मिलने वाले हैं।
तो ये हो जाता है दोस्तों आपका फ्लैट कंप्लीट। पूरा फ्लैट बहुत अच्छे तरीके से काम किया गया है, बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेटिव प्रोडक्ट लगाए गए हैं, बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपरली काम किया गया है। हर पर्टिकुलर पोर्शन को बहुत अच्छे से यूज़ किया गया है। जैसे ये साइड में देखेंगे अच्छे मिरर स्पेस यहाँ पे बनाया हुआ है, इसको तो बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया गया है और बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये हो जाता है दोस्तों आपका फ्लैट कम्प्लीट। 3 करोड़ 21 लाख रुपये का डिमांड है जो कि नेगोशिएबल है। आप आइए फ्लैट पसंद कीजिए, बहुत अच्छी डील देने की इसमें पूरी कोशिश करने वाले हैं हम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर आप द्वारका एंड द्वारका एक्सप्रेस में कोई भी डील देख रहे हैं, कोई अच्छी डील देख रहे हैं, तो आप हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब को सब्सक्राइब एंड फॉलो कर सकते हैं फॉर द डेली अपडेट्स। हम डेली अपडेट करते रहते हैं कुछ ना कुछ, जो भी नई चीज़ें द्वारका एंड द्वारका एक्सप्रेस पर आती रहती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।